नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। इस समय दिल्ली स्थित राज्यसभा सांसद मीसा भारती के सरकारी आवास के बाहर मौजूद है, जहां पर सुबह से ही जो सीबीआई की जो टीम लालू यादव और उनके परिजनों के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, उसमें से एक जगह यह भी है जो मीसा भारती का C-137 का दिल्ली स्थित जो पंडारा पार का सरकारी घर है वहाँ पर मौजूद है। और वहीं पर सुबह 8 बजे से ही लगातार जो कह सकते हैं कि यहाँ पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है और अंदर में यहां पर जो है लगातार छापेमारी ताबड़तोड़ चल रही है। बता दें कि कहा जा रहा है कि सुबह 6:30 बजे से पटना में के जो 10 सर्कुलर राबड़ी आवास है वहां पर सबसे पहले सीबीआई की टीम पहुंची थी, उसके बाद दिल्ली गोपालगंज पटना समेत अलग अलग इलाकों में वो फिलहाल लगातार छापेमारी कर रही है। बता दें कि जो RRB जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो शिकायत है उसके अनुरूप कहा जा रहा है कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे उस दौरान पैसे लेकर भर्ती कराने का आरोप है, उसी के सिलसिले में ये लगातार जो है ताबड़तोड़ यहां पर छापेमारी चल रही है। बता दें कि इस समय लालू यादव भी जो कि राजस्व प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है वो भी यहां पर मौजूद है। वो लगातार कल से कहा जा रहा है कि सुबह 8 बजे से ही यहाँ पर छापेमारी की जा रही है। बता दें कि जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो स्थिति है जो उसमें पैसे लेकर भर्ती कराने का आरोप है उसी के सिलसिले में यहाँ पर लालू यादव के जो घर है वहाँ पर छापेमारी चल रही है। बता दें कि पिछले कई जो ठिकाने हैं वहाँ पर लगातार छापेमारी चल रही है। बता दें कि कहा जा रहा है कि गोपालगंज पटना दिल्ली समेत कई इलाकों में जो 17 ठिकाने हैं वहाँ पर लगातार छापेमारी चल रही है। बता दें कि इन दिनों लालू प्रसाद यादव जो है यहीं पर दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज होने के बाद अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के घर पर ही मौजूद थे और लगातार यहीं से जो है वो अपने बेहतर इलाज के लिए यहां पर रह रहे थे। बता दें कि इस समय तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं वो देश से बाहर हैं, चूँकि लंदन में उनका एक कॉन्क्लेव है जिसमें RJD के तमाम नेता पहुँचे हुए हैं, चाहे वो विपक्ष के हो तमाम लोग पहुँचे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ये लगातार छापेमारी उनकी गैर मौजूदगी में यहाँ पर चल रही है। बता दें कि पटना समेत गोपालगंज दिल्ली समेत कई इलाकों में इनकी लगातार जो है छापेमारी चल रही है। बता दें कि इससे पहले कहा जा रहा था कि पटना में सुबह 6:30 बजे से ही जो 10 सर्कुलर आवास है राबड़ी आवास वहाँ पर छापेमारी शुरू हुई, उसके बाद से दिल्ली गोपालगंज समेत अनेक इलाकों में 17 जगहों पर ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। बता दें कि मामला 2009 का है जिसमें कहा जा रहा है कि जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में जब रेल मंत्री थे लालू यादव उस दौरान पैसे लेकर भर्ती कराने का आरोप है, उसी सिलसिले में लगातार यह छापेमारी चल रही है। बता दें कि कल पिछले कई दिनों से राज्यसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा है, उस दौरान भी उसके बाद ठीक इस तरह की छापेमारी कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव का संकेत दे रही है। इस खबर से जुड़ी जो कुछ भी अपडेट होगा न्यूज़ फाउंडेशन आप तक लगातार पहुंचाता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो पर अपनी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब तक हमारे न्यूज़ फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो पर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। शुक्रिया।